जिसे गिरफ्तार करने के लिए मेरी टीम गई, लेकिन वह घर पे नहीं था। मूल रूप से ऋतिक कुमार, राहुल कुमार, मुनि यादव, सुमंत कुमार, ये चार लोग गिरफ्तार किया गया है। और बधाड़ से एक मोट गोल लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के नवानगर थाना बरहपुर थाना से। जी हाँ, कहीं मिलले चोरी के समर सेबुल आ बाइक चोर, तो कहीं बाइक चोरा के भाग रहल चोर के पुलिस कैलस गिरफ्तार। कहल जाला कि जब घोड़ा के सवार नीमन होखी तो घोड़ा भी अपने आप दौड़े लागेला। जी हाँ, बक्सर जिला के डुमरावन मंडल के डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी, इनकर सवारी ऐसा चल रहा बटुए कि नीमन नीमन चोर अब शिकंजा में आवे शुरू हो गई बड़ा। चोरी के समर सेबुल आ बाइक के साथे चार गो चोर नवानगर में गिरफ्तार बने, जबकि बरहपुर में एगो चोर बाइक लेके भागते गिरफ्तार हो गई। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। नामानगर थाना क्षेत्र के रूप सागर गांव से चोरी के ट्यूबवेल के मोटर आ चोरी के एगो बाइक के साथे चार गो साथी चोर के पुलिस गिरफ्तार कैले बिया, जबकि इनकर एगो साथी भनक लागते भागे में सफल रहलन। पुलिस उनको गिरफ्तारी खातिर छापेमारी कर रहल बिया। डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी प्रेस वार्ता करत एकर जानकारी दिहनी। प्रेस वार्ता में बतैनी कि नामानगर थाना क्षेत्र के रूप सागर गांव निवासी अजीत कुमार सिंह के खेत में लागल ट्यूबवेल के मोटर चोरी हो गई। यह मामला में पीड़ित नामानगर थाना में कांड दर्ज करैलन, आशंका जतैलन कि गांवही के ऋतिक कुमार पिता सतीश कुमार, राहुल कुमार पिता रविंदर कुमार चोरैले बने। FIR दर्ज करके पुलिस जब ऋतिक आ राहुल के पकड़ के पूछताछ शुरू कैलस, तो वो लोग 4500 रुपया में गांवही के मुनि यादव, नितेश यादव पिता अक्षय कुमार सिंह के बेचले रहे लोग। पुलिस इनका के पकड़लस आ झाड़ी में छुपा के रखल गई मोटर के भी बरामद कर लिखल। आ इनके निशानदेही को पुलिस जवन बा पूछताछ के क्रम में बतावल बतैलें कि योगेंद्र सिंह के लड़का सुमेंद कुमार के नाम लेलन। बतावल गई कि लोग एगो करिया रंग के हीरो ग्लैमर बाइक गांवही के अंकित कुमार पिता श्री भगवान गुप्ता से खरीद ले रहे, लेकिन दोनों जाना पुलिस के समक्ष एकर कागजात ना उपलब्ध करे वो लोग। पुलिस अंकित के तलाश में जुट गई, लगातार इनका के गिरफ्तारी खातिर छापेमारी कर रहा बिया। चोरी के गिरफ्तारी नवानगर थाना अध्यक्ष नंदू कुमार कैलन, लेकिन एकर पूरा ऑपरेट डुमराव डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी करत रहनी है। वही जे बरहपुर थाना क्षेत्र में एगो चोर बाइक लेके भागत रहे, लेकिन पुलिस के तत्परता पहले ही कहल सा भोजपुरिया समाचार कि जमुना घोड़ा के सवार नीमन हो घोड़ा अपने आप दौगे लगी। पुलिस के तत्परता से नाबालिग बाइक चोर पकड़ा गई, एक भीड़ी से भी एगो बाइक बरामद भइल बटुए। अब भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी के बयान सुनावे जा रहा बा, लेकिन निहोरा बटुए कि चैनल पर नया बानी तो बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद खबर के शेयर करी ताकि देश ना विदेश तक पहुँचे। धन्यवाद। तो क्या मामला है ना? ये दिनांक 4 तारीख को अजीत कुमार सिंह, केसर ब्रिजलाल सिंह, ग्राम पोस्ट रूप सागर थाना नवानगर के बधार में एक मोटर चोरी हो गया था। इस संबंध में अजीत कुमार द्वारा दिनांक 8/2 को एक कांड दर्ज कराया गया कि मेरी मोटर मेरे बधार से खोल ली गई है। तो हम लोगों ने अपने खुफिया तंत्र को लगाया काम पे, तो उन लोगों ने बताया कि इसमें 4 व्यक्ति हैं। तो हम लोगों ने उसको जब उठाया और पूछताछ किया तो पता चला कि इसमें 3 लोग खरीदे थे और जिसको बेचे थे वह भी व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किया गया, और एक व्यक्ति अन्य है जिसे गिरफ्तार करने के लिए मेरी टीम गई, लेकिन वह घर पे नहीं था। मूल रूप से ऋतिक कुमार, राहुल कुमार, मुनि यादव, सुमंत कुमार, ये 4 लोग गिरफ्तार किया गया है।
और बधार से एक मोटर और एक मोटरसाइकिल जो चोरी की है वह बरामद किया गया है, और एक व्यक्ति इसमें और है जिसकी गिरफ्तारी शेष है। तो इसके पहले भी ये खरीद बिक्री का काम किया करते थे? हाँ, इन लोगों ने स्वीकार किया है कि हम लोग चोरी का जो है विभिन्न घटना को अंजाम दिए हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो उस हिसाब से कार्रवाई की गई। सर, ब्रह्मपुर में भी एक मामला आया है? हाँ, ब्रह्मपुर में भी एक चोरी की बाइक और एक एक चोर को पकड़ा गया है। गिरफ्तारी हुई है? हाँ, एक गिरफ्तारी हुई है। और लोग शामिल हैं उसमें? उसमें और भी रेड हो रहा है, और लोग शामिल होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नामानगर कांड में सर और लोग हैं इसमें शामिल? हाँ, और लोग हैं इसमें शामिल। तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? हाँ, बहुत मतलब बड़ी उपलब्धि है। चोरी घटना पे अंकुश लगेगा, उस पर नियंत्रण होगा।